जय श्री राम किसान भाइयों, नेपालपुर पशु मंडी देख रहे हैं आप और 1 अगस्त 2023 से लाइव डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो दिन का अपडेट देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों जोरदार लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप। ये दादा चप्पल चोर है, अभी हाली ला दी, इनको भी करो। तो दोस्तों ये मंडी मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में प्रत्येक मंगलवार को लगती है, जहाँ से ये अपडेट लाए हम। तो ये भैया की दो भैंस सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं, देख लीजिए आप, बहुत ही शानदार जानदार मुर्रा भैंस देख रहे हैं आप, मीडियम से बड़ी हाइट में है। और जी भैया देख लीजिए, देखते हम, अच्छी भैंसे हैं दोनों, कवर करते हम। दो ही ये दो ही ब्याई हुई है दोनों, ये दोनों दोनों जनने वाली है, करीब 2 से 4 दिन की देर बता रहे हैं। और क्या कीमत लगा रहे हैं इनकी दोनों की? पंचानवे हजार कीमत लगाई है दोनों गाभिन भैंस है, देख लीजिए आप। तो दोस्तों नेपालपुर पशु मंडी जिला इंदौर है पहुँचे आप, अधिक जानकारी के लिए, भैंस खरीदने के लिए गाय मंडी भी अच्छी है यहाँ पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं राहुल पटेल से 8319984072 पर। अच्छा दृश्य है, अभी अभी बारिश खुली है, भारी बारिश चल रही है एरिया में, तो हो सकता है दाम गिर सकते हैं भैंस के, देखते हैं। थोड़ा लेट पहुँचे हैं, करीब 11-12 बज गए हैं आज, क्योंकि एक वीडियो बनानी थी हमें धार जिले में, तो वहाँ गए थे हम। तो हम धार जिले की जो नालछा थी वहाँ व्यापारी भाई थे जो मारवाड़ से बड़ी बड़ी मुर्रा भैंस लाते थे, तो वहाँ गए थे हम। भैया बाहर निकालो उसको, कहाँ की पाड़ी है? जालौर, जालौर की भैंस देख रहे आप, पूरी डिटेल लेते हैं। थोड़ा बारिश के कारण अंधेरा हो रहा है। कितना दूध लगाएगी? 15 लीटर। दोनों टाइम का? दोनों टाइम का 15 लीटर। 15 लीटर कौन से में ब्याई? दूसरा में। कीमत क्या लगा रहे हो? 1.20 मांगने के। हाँ, एक और देने की? देने की 1.10। 1.10। हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? राजस्थान। राजस्थान से? हाँ। बढ़िया भैंस है, देख लीजिए, सेल आउट भैंस जा रही है बिक कर, देख लीजिए हमारे सब्सक्राइबर पहुंचे। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? सचिन बोलता हूं। सचिन जी, वीडियो देखते हैं आप? बिल्कुल जी, तो देखते हैं। सामने जो व्यापारी भाई खड़े हैं इनकी भैंस हर बार हम कवर करते हैं, तो पूरी डिटेल लेंगे। और आज कितनी भैंस है आज अपने पास? मेरे पास 10 भैंस थी। ये भैंस कितना दूध लगाएगी अनुमान? ये 10 लीटर अभी तैयार है और 2.5 साल की। इसको पहले तो खोलो। ढाई साल की? 2.5 साल की अभी पूरी हुई नहीं है। फर्स्ट ब्यात में है क्या? फर्स्ट में दो दांत बची है, देखते हैं। बहुत अपनी भैंस की हर कोई बड़ाई करेगा, तो हम भी देख लेते हैं। और बाहर लो थोड़ा धूप में, उधर अंधेरे में दिख नहीं रही यार सही, देखते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो जो थान की बनावट तो शायद फर्स्ट इलेक्टेशन, इसलिए छोटी छोटी है,
और भैया कितना दूध लगा देंगे? 10 लीटर दूध तैयार है अभी नरेंद्र भैया। 10 लीटर दांतों में दो ही है। हो गया तो 5-5 लीटर अभी तैयार है। 5-5 लीटर कहाँ की है भैंस अपनी? ओरिजिनल जालौर की। ओरिजिनल क्या लगा रहे इसके? इसके क्या लगा रहे हो, दाम क्या लगा? 1,05,000। यह बिक गई क्या? नहीं, ये एक ही खड़ी है, बाकी सब बिक गई। सब बिक गई। 1,05,000 मांग देख लीजिए आप। देखो हाइट करीब इसकी, हाइट 4.5 फीट है हाइट इसकी। अभी 2.5 साल की नहीं हुई है पूरी। है फाइनल क्या लगा दोगे इसके? फाइनल है 95,000 रुपए। 95,000 रुपए चमड़ी देखो, ओरिजिनल जानवर की बांधना। अभी दांत में दो ही है बच्ची। इसका गट्टा देखो, गट्टा दांत दिखा दोगे? दांत दिखा दूंगा ना, आ जाओ। ये दांत दिखा रहे, दो दांत में हो तो भेज देना, नहीं तो नहीं लेना। ये दो दांत अभी बच्ची, दो दांत हुई है बस। ये एक और शानदार आज की सबसे भारी भैंस देख रहे हैं हम। और हर बार हम गजू भैया की भैंस कवर करते हैं क्योंकि क्वालिटी इनके पास ही मिलती है। बहुत बढ़िया भैंस है और देख लेते हैं आप, हाइट तो अच्छी है, भैंस भी बड़ी है। तो भाई साहब सेल हो गई क्या भैया? हो गई। कितने दांत में अभी? 4 दांत। 4 दांत दूध कितना लगा रही? कल तो भी यही है। कल भी यही? फिर भी कितना लगा देगी अनुमान? 8 किलो एक टाइम का। एक टाइम का 8 किलो सेल हो गई मतलब? ये कितने में हुई? 160 में हमने रखी है, व्यापारी हम भी। अच्छा, इनसे आपने रखी है? 160 में। बहुत बढ़िया भैंस है, अच्छी भैंस है। अडर क्वालिटी देख लीजिए आप एक बार, आगे पीछे से दिखा देता हूँ। शानदार बढ़िया भैंस देख लीजिए। गजू भैया हर बार बड़ी बड़ी भैंसें लाते हैं और शानदार और जानदार अडर क्वालिटी से हम भैंस कवर करेंगे। हाइट तो कम है, ये भी सेल आउट है क्या? अच्छा, ये कितने में करी? 1,21,000 में सेल हुई है वाली भैंस और अच्छी भैंस है। भैया उधर लो यार आप। भैया कौन से एरिया की अपनी? जालौर की। जालौर की है। कितनी आज अपने टोटल भैंस? आज अपने 36-37 सेल हो गई सब? दो तीन भैंस बची है इनके पास। एक अच्छे बड़े व्यापारी के नाम चलता है देपालपुर में और बड़ी बड़ी भैंसें जो आप देख रहे हैं। और भी दिखा देते हैं आपको। ये मंडी का नज़ारा दिन मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार को। हाँ खोल दो आप, लगती है मंडी। एक और अच्छी भैंस है, ले आओ उधर निकालो। बहुत बड़ा इसका अडर जो लेवटी की बनावट है। ये कितने दिन की ब्याह हुई है? 8 दिन की। 8 दिन ये कितना लगा देगी दूध? कुछ भी, ये दूध तो देगी यार, कुछ भी दूध की देगी। अच्छा बढ़िया ऑर्डर है। इसका क्या है भाव मोल? एक बत्तीस में सेल कर दी है। तो सब सेल आउट भैंस देखी हमने वीडियो के माध्यम से। ताजा बच्चा है नीचे, करीब 4-5-8 रोज का। बारिश फिर से चालू हो गई है। हो गया, कहाँ से आए आप जी भैया? हेलो, अरे आगे आओ थोड़ा। तो दोस्तों सिलेक्टेड भैंस कवर करेंगे, कुछ बड़ी कुछ छोटी। और एक और बड़ी भैंस देख लें आप, अपनी है, अच्छी भैंस है। खोल दो भैया, गाभन है कि धनी हुई? नहीं, धनी हुई भाई साहब, 2 दिन की। घुमाओ उसको, कितना दूध लगा रही भैया?
अभी 10 लीटर दूध है साहब फट रहा है। अच्छा, और 14 लीटर दूध से कम देगी नहीं पाड़ी कहीं भी आएगी। दोनों टाइम 14 लीटर है ना। क्या मांग रहे हैं? मोल 1:20 कर रहे हैं इसके। अच्छा, कौन से ब्यात में जमी हुई? दूसरे में। कितने दिन की जानी? ये 2-3 दिन का बच्चा आगे पड़ा हुआ नाले लगा। अच्छी भैंस है। ठाकुर जंगल में वाले साहब। टोटल कितनी भैंस है आज अपने पास? अपने पास 12 भैंस थी तो 2-4 बिक गई है, 8-1 बची। दोस्तों एक और भैंस देखते हैं, शायद नीली रावी है इसकी जात जो बोलते हैं। किसकी है भैया? बेचने आए? कहाँ से आए? देवास जिले से। कहाँ से आए हो? बड़ा रुपया गांव से। कितना दूध लगा रही अपनी भैंस? 7 लीटर। थोड़ा खोला है इसको। 7 लीटर बता रहे हैं। टाइम का है रोज का? एक उधर लो। अच्छी भैंस है, किसान की है शायद। व्यापार करते हो? नहीं, घर पे ही है। किसान है? क्या मोल कर रहे हैं इसका? 1,20,000 मांगने के। कितने दिन का बच्चा है इसका? 10 से 12 दिन का। देना कितने में भैया? अब ये गिराक के ऊपर है। फिर भी अपना अनुमान कहाँ तक का है? ये अपना अनुमान 1-15-1-10 तक। कहाँ तक लग रहे हैं अभी? अभी तो कुछ नहीं लगे। अभी नहीं लगे कहाँ से आया? कहाँ से आया? नेपालपुर से। नेपाल? कौन सी भैंस अपनी? कहाँ है भैंस? दोस्तों ओम जी चौधरी जो एक अच्छी भैंस लेकर पहुँचते हैं मंडी में, तो सांचौर से लाया नहीं आप? सांचौर जंगल से हमेशा भैंस लाते हैं, जो सांचौर का जंगल भी भैंस के मामले में बहुत बढ़िया है। और इनकी ये भैंस खोली या ओम जी गाबड़ है कि दिन? कितना दिन लेगा? 5 से 4 से 5 दिन। अच्छा, दूध अनुमानित? दूध देगा 6 से 7 किलो, 4 लाख पड़ी है। अच्छा, तो दूसरा हम जनेगा मतलब? हाँ, दूसरा हम जनेगा। अच्छी भैंस है, सिंगों की बनावट बढ़िया। और मांग ओम जी? 1,20,000 मांगने का। 1,20,000 मांग रखी है। और 5 से 6 भैंस खड़ी है इनके पास, देख लीजिए। और 2-3 भैंस सेल हो गई है। बढ़िया भैंस है, बहुत भीड़ है आज। और भैंसों की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। आप हर बार की वीडियो अगर देखते हैं तो पता चलेगा आपको। जय राम जी के साथ। एक और रोड की भैंस कवर करते हैं हम। भैया एक मिनट है, किनकी भैंस है ये? किसकी है भैंस? पटेल। कहाँ रहते हैं? बिजूर। बिजूर की है। ये गाबन है क्या? गानी है। कितना दूध लगा रही? लगती है 7 लीटर। एक टाइम का? एक टाइम का। चला उधर 7 किलो एक टाइम का बता रहे हैं। अच्छा आर्डर, जो लेवटी की क्वालिटी बढ़िया है। तो दोस्तों 7 लीटर बताते हैं, लेकिन फिर भी हम आर्डर क्वालिटी से पता लगाएंगे कि हाँ आराम से 6 लीटर दूध तो निकाल देगी। 8 किलो। 8 किलो मांग इसकी? 1:10। अच्छी भैंस है, नागौर की। एक ये खोलो ना यार, ये किसकी है? एक और ये सेल हो गई भाऊजी आपने ली? कितना में ली? 1,00,000 में। बहुत अच्छी भैंस खरीदी भाऊजी ने 1,00,000 में। कहाँ ले जाओगे? गुलवा। आपका नाम? जी। अच्छी भैंस है 1,00,000। क्या मांगे थे भाऊजी इसके? एक पच्चीस मांगे थे। सेल होकर जा रही है भैंस, अच्छी भैंस है। दोस्तों बहुत ग्राहक आते हैं दूर दूर से मंडी, दिन पर दिन संख्या बढ़ती जाती है भैंसों की और ग्राहकों की भी। तो
हम कवर करते हैं एक और भैंस जो हाइट में तो बड़ी है और अडर क्वालिटी तो लग रहा है मीडियम में है। गाबन है क्या? जनी हुई है, देख लीजिए आप। ये इसकी अडर क्वालिटी, लेवटी, थनों की बनावट, पीठ पुट्ठा, हाइट, चाल सब कुछ देख लेते हैं हम। और लाना भैया कितना दूध लगा रही है? कौन से में ब्याई है? क्या मांग रहे हैं? फाइनल है, फाइनल है। वाला मामला नहीं, डेढ़ दो पौना दो ये नहीं बोलते। अच्छा अच्छा, बढ़िया भैंस है दोस्तों, कीमत रखती है एक प्लस में। एक और भैंस, गाबन है शायद तैयारी है शाम सुबह में। बड़ी भैंस है ये भी। कहाँ की है ये भैंस? नहीं, जंगल कौन सा अपना? जंगल बहलोर। अच्छा, कौन से में ब्याएगी ये? तीसरे में। दूध कितना लगा देगी अनुमान? 10। एक टाइम का या दोनों टाइम का? एक टाइम का। मांग क्या है? मांग एक साठ की बेच दी। बेच दी एक साठ में? किसको दिए? कौन से भैया आपने खरीदी भैया? क्या नाम है आपका? सानिध्य यादव। कहाँ से हैं? ज्ञानपुरा से। ज्ञानपुरा धार? हाँ। धार से हैं। और आपने कितने में खरीदी फाइनल इसकी कीमत? 158। 158 में। क्या मांगा था इसका? मांगा क्या था? 162। 162। 4000 रुपये ही कम हुए घर की बात है। ऐसा घुमाओ भैया एक बार और उधर देख लीजिए। दोस्तों खरीदने वाले भी खड़े हैं, आप बार बार फिर कमेंट करोगे कि इतनी महंगी भैंस है क्या, हमने नहीं देखी है। नहीं तो भैया ने 158 में खरीदी है, बढ़िया भैंस है। एक और भैंस पसंद आ रही है जो उसकी पूंछ देख लीजिए आप, जमीन से टच हो रही है, बढ़िया है हाइट तो, और शरीर की बनावट भी अच्छी है। पूछते हैं पूरी डिटेल, पहले भैंस देख लीजिए भैया, पास में लाओ। कौन से ब्यांत में जनी है? कौन सी बार में जननी है? बच्चा दिया दूसरे में। दूध कितना लगा रही है? अच्छा भैया, दूध कितना लगा रही? 7 किलो। टाइम का क्या मांग रहे इसके? 1,30,000। 1,30,000। आपका नाम? दिलीप। कहाँ से आप? मांगलिया से। दिलीप भैया जो मांगलिया, इंदौर वाला मांगलिया, ठीक है भैया। ये वाली भैंस ली आपने? आपका नाम? विकास यादव। विकास यादव कहाँ के हैं? लोहाना से। लोहाना जिला उज्जैन। जिला उज्जैन। कितने में ली भी है? 70,000। 70 में। तो दोस्तों 70,000 में इस तरह की भैंस मिल जाती है देपालपुर में। क्या मांगा था इसका? इसका 85 मांगा था। 85। दूध कितना अनुमान? 5-5 किलो। अच्छी भैंस है। एक और भैंस कवर करते हैं जिसकी लाइव मिल्किंग ली क्या है? किन्ने लिए? थोड़ा सा चेक करते हुए भैया। नाटू भैया की भैंस है? नाटू भी देखी ना जी। नमस्कार, अपनी भैंस है क्या है? अपनी है ये भी 15 लाए थे, 3 बछड़ी है ये अपनी है। बिक गई है? बिक गई। कितने में बिकी? 70,000 की दी है। किन्ने खरीदी है? इन्होंने 70,000 में। 70,000 में सेल हुई है, बढ़िया भैंस नाटू भैया की। दोस्तों नाटू भैया से भैंस ली है भैया ने। तो कहाँ से है भैया आप? जलोदियापन। और आप जी कितने में लिए दोनों भैंस? ये अभी पैसे गिना रहे। नहीं ली कितने? 1,50,000। दो ही? दो। अच्छा, दोनों जोड़ा दिया? जोड़ा दिया। ये दोनों भैया एक पहलू ने एक दूजो ने। अच्छा, तो 80,000 रुपए की कीमत की भैंस ली है भैया ने। पीछे से देखते हैं दोनों। इधर
मीडियम रेंज की और मीडियम हाइट में है भैंस। भैया ले ली क्या भैंस? कहाँ से आए? कहाँ से आए? लेट हो गया। कितना में ली भैया? 72,000 में। कहाँ से आप? गुडर से। तो दोस्तों जो लाख लाख रुपए की कीमत वाली भैंस है वही 70-80 हज़ार में मिल जाती है। और भी हम देखते हैं जी भैया, और भी भैंस है जो जी। कहाँ से आया? लिपलियाना से। क्या नाम है आपका? मोहन चौधरी। मोहन जी चौधरी, वीडियो देखते हैं आप? हाँ मैं देखता हूँ, आपका यूट्यूबर है। धन्यवाद। देखता हूँ सुनने का भी देखता हूँ आपका। जी बाबू जी धन्यवाद। तो एक और भैंस देखते हैं हम, आगे बढ़ते। और ये भैंस खरीदी आपने कहाँ से है? सुलावड़ इंडोरामा। सुलावड़ इंडोरामा जिला? जिलाधार। जिलाधार से। तहसील पीथमपुर। जी भैया, तो कितने में खरीदी है ये? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 में? 1,00,000। भैया अपनी भैंस है? कहाँ से आप? मैं तो बिजूर का रहने वाला। भैंस नागौर की है। कितना दूध लगा देगी अनुमान? एक टाइम में 7 किलो। अच्छी भैंस है, बढ़िया हाइट बड़ी है, थोड़ा देसी कट में। 4x4 का गला है। कहाँ से है पिताजी? पिपलू से आए। क्या नाम है अपना? वीडियो देखते हैं? ज्यादा देखते हैं ना? अच्छी मजे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर राहुल पटेल जो सामने दिखे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और राहुल भैया जय श्री राम। तो राहुल भैया से मिलते हैं हम। और राहुल भैया आज क्या हाल चाल है मंडी के? आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हो आप मेरे को। हाँ ऐसा ही है यार, बिजी चल रहे हैं। क्या हाल है मंडी के? मंडी के बढ़िया भैया। अच्छा तो भैंस लाए या ग्राहक है सिर्फ? भैंस लाया था दो। भैंस दी? भैंस दी। और ग्राहक? ग्राहक है ना 3-4 ग्राहक है। 3-4 बाहर के हैं? हाँ बाहर। कहाँ के आए? एक राजगढ़ से आए थे। हाँ और एक ही अपने मंडनगर के पास के है। अच्छा हाँ क्या काम है पता भूल गया मैं काम। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आप भी राहुल भैया से कांटेक्ट कर लें अगर भैंस खरीदने पहुंच रहे हैं, बाहर से कहीं से आ रहे हैं, गाय भैंस दोनों। तो भैया अच्छे एक भैंस दिलाने का काम करते हैं यहाँ से, तो एक बार इनके नंबर लेते हैं। राहुल भैया नंबर दो आप। 88-99-84-072। इस नंबर पर कांटेक्ट करें। और धुंधड़ का मंडी आ जाना भैया, सस्ती कहाँ मिलेगी? अभी तो कहीं भी सस्ती नहीं है भैया, माल का पैसा तो कहीं भी देना पड़ेगा। हाँ। मगर तो अभी धुंधड़का मंडी डाउन थी इस बाजार। हाँ। ये भी थोड़ा मामला आज डाउन है यहाँ पे। यहाँ भी डाउन है? अच्छा हाँ मार्केट यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि आज बारिश की वजह से मार्केट डाउन हो सकता है। अभी डाउन 10 बजे जी भैया। देख लीजिए सभी लोग बढ़िया वीडियो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अग्रवाल जी जो सतीश सेठ घासी सेठ इंदौर वाले हैं उनकी दामनी में पहुंचे हैं। लोगों की मांग होती है देखने के लिए, तो कवर करते हैं हम उनकी भैंस। सामने खड़े हैं सेठ जी और जी भैया, और हम उनकी भैंस कवर करेंगे। देखते हैं एक एक भैंस सभी की लेंगे, उससे हमें पता चलता, क्योंकि 10-10, 20-20 भैंस अगर एक एक आदमी की कवर करेंगे तो बहुत बड़ी मंडी है। और देखते हैं हम भैया भैंस खोल के ला रहे हैं उस साइड में। मेरा सेठ तो अभी आया है जरा खिलाड़ी और भैंस। गनुबिया मामा ये दो भैंस लगाओ, एक ये वाली एक वाली। गनुबिया कितना दूध लगा देगी भैंस? 6.5 किलो दूध लगाएगी भैंस। अच्छा टाइम का? टाइम का 13 किलो रोज का। हाँ और भैंस है, भैंस का बीज है, दुबली देख के डरना नहीं और मोटर देख के भगना नहीं। अच्छा हाँ। तो ये कौन से में जानी है? ये तीसरा। क्या मांग रखा इसके? 85,000। 85,000 मांगने के? हाँ। आज कितनी भैंस है गनुबिया? गनुबिया आज टोटल भैंस कितनी थी? आज 35 भैंस। 35 थी, बिक गई? बिक गई। 35 भैंस में से सेल हो गई है, करीब 5-7 भैंस बची है। और एक और कितने दांत में है? 6 दांत है।
अग्रवाल जी की भैंस देख रहे हम, दूसरे में जानी कितना दूध लगाती है? इसका 5.5-6 लीटर अभी तैयार है। तैयार और मांगने के इसके 95,000 मांग रखी है। बड़ी बड़ी की जोड़ में लगा लेना साहब इसको, देखो इसकी चौकट पल्ला कितना, कितनी भारी पल्ला चौकट रहा है। अपन देखा नहीं हल्की पतली की। हाँ भैया नमस्कार। ये बेस्ट की कोल्ला बड़ा है, यानी की कोल्ला इसकी जोड़ में। ये मामा तो ही जोड़ में लगा लेते हैं। आज अग्रवाल जी की दामनी में हम पहली बार देख रहे हैं कि कम कीमत में भैंस खड़ी है। जो दादा देख लीजिए, मारवाड़ के लोग लाइट में आ गए हैं क्योंकि भैंसें महंगी हो गई है। अच्छा आजकल चश्मा लगा लिया आपने? आज चश्मा लगा लिया, मजा आ गया। मजा आ गया। चश्मा लगा दिया, सेठ बोले चश्मा लगा दिया। दोस्तों एक और बड़ी भैंस देखते हैं हम, शायद किसान की है और रेडर क्वालिटी तो बड़ी है, बढ़िया और भैंस बड़ी है। कहाँ की है भैंस? फतेहपुर इंदौर उज्जैन जिले में आता ना। कितना दूध लगा रही है? कितना? कहाँ है बच्चा इसका? वो बैठा हो कितने दिन का हो भैया? 4 दिन। क्या मांग रहे इसके? 1.30। अच्छा 5-5.5 दूध लगा रही है। दूध कम दे रही भैया? अच्छा कितना दे देगी? 8-9 लीटर दे देगी। कीमत क्या लगाओगे आखिरी? कीमत 1-10 दे दोगे? क्या मांग रहे हो? 1-10 दे देंगे। ये किसान की भैंस थी दोस्तों। एक भैंस और कवर करते हैं, अडर क्वालिटी तो पहले पास से देख लें आप। और ये भैंस जी भैया डेरी यात्रा नरेंद्र प्रजापत। हाँ अच्छी भैंस है। कहाँ से आए आप सब भैया? जमगोदा से। कितना दूध लगा रही? दूध कितना लगा रही? 6 किलो टाइम का। क्या मांग रहे? इसके मांग रहे 1 लाख। देने की क्या रहेगी? देने की 95,000। तो दोस्तों 1 लाख मांग, 95,000 देने की, फिर बैठक पर करीब जाएगी है 85-90 हज़ार के आसपास। ठीक भैया ये बिक गई क्या? किन्ने ली है? 1,40,000 में। राम 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 राम। किन्ने रखी? किन्ने भैंस? कहाँ से अभी आप? हनुमंती गांव से। हनुमंती कहाँ है ये? घोसला। कितने में खरीदी है? 1.40। क्या मांगे थे? मांगे क्या थे? 1.60। दूध कितना लगा देगी? 5 किलो। 5 किलो भैया? 5 किलो। अच्छा